हेलो फ्रेंड्स, आप आए हैं गीताज किचन में। गीताज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, संतरे का जूस निकालना हो तो बिना जूसर के जूस को कैसे निकाला जाए, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो बिना जूसर और मिक्सर ग्राइंडर के। तो यहाँ पे मैंने संतरे लिए, इन्हें अच्छे से धो लिया था और इस तरीके से हम इसे बीच में से काट लेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसानी से बहुत ही बढ़िया जूस तैयार होता है। और काटने से पहले आप अच्छे से इसे धो लीजिए। और इस तरीके से हम विस्कर ले लेंगे जो कि सभी के पास होता है, और संतरे को हाथों से प्रेस करते हुए हम विस्कर को घुमाते हुए आसानी से जूस को निकाल सकते हैं। यकीन मानिए, 5 मिनट के अंदर आप संतरे का जूस आसानी से निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हो जूस इस तरीके से निकला है। इसी तरीके से हम बाकी संतरों का भी जूस निकाल लेंगे। तो फ्रेंड, जूस निकालने के बाद हम इसे छलनी में डाल के छान लेंगे ताकि बीज वगैरह जो है अच्छे से छन जाए। आप देख सकते हो कितना बढ़िया जूस निकला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मिनटों में हमने संतरे का जूस तैयार कर लिया है। इसी तरीके से आप मौसम्मी का भी जूस निकाल सकते हो, बहुत ही बढ़िया। और बिना किसी मिक्सर ग्राइंडर के, जूसर के, हम आसानी से 5 मिनट के अंदर हम मौसम्मी या संतरे या किन्नू किसी की चीज का भी जूस निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास इस तरीके का विस्कर ना हो तो आप इसके छिलके उतार के और इसे काट के बीज निकाल के मिक्सी में 2-3 बार घुमाते, हल्का हल्का प्रेस इसको घुमाते हुए, और फिर से इसको छान सकते हो, यानी कि इसका जूस निकाल सकते हो। मिक्सी में भी बहुत ही बढ़िया जूस निकल आता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप संतरे का जूस आसानी से घर पर बनाकर जब दिल चाहे आप पी सकते हो। दोस्तों, जूस हमारा बनकर तैयार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक अगली वीडियो में। नमस्कार।